अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो स्प्रिंग सेमेस्टर हैं उनके एग्ज़ाम के बारे में। अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी साल में दो बार एडमिशन ओपन करती है, स्प्रिंग और फॉल। वो स्टूडेंट जिन्होंने स्प्रिंग सेमेस्टर में अपना एडमिशन भेजा हुआ है, जो स्टूडेंट्स उनके पेपर हैं वो 16 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक, इसी दौरानिए में स्टूडेंट्स के पेपर हो जाते हैं जिन्होंने स्प्रिंग एडमिशन भेजा होता है। फॉल नहीं, स्प्रिंग एडमिशन की सिर्फ बात हो रही है। स्प्रिंग एडमिशन वालों के 16 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर, इसी दौरानिया के अंदर इनके पेपर हो जाते हैं। अगर कहीं रद्दोबदल होना चाहे तो 8-10 दिन का डिफरेंस आ सकता है, किसी भी सर्कमस्टांस की वजह से, मुल्क के हालात ख़राब होने की वजह से या कोई भी प्रॉब्लम बन जाता है, कोई 5-10 दिन का इसमें से डिफरेंस आ जाता है। नहीं तो 16 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक स्प्रिंग एडमिशन जोन से उनका टाइम होता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जिसमें हमने स्प्रिंग एडमिशन के एग्ज़ाम है उसी के सिलसिले में बात की, ये वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।